हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट कॉमर्स में जो प्रीवियस ईयर्स में इनकम टैक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आज पार्ट थ्री में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख एंड वाज पुट इनटू यूज ऑन साइंटिफिक रिसर्च। मींस कि एक बिजनेस ने कोई इक्विपमेंट परचेज किया ₹10 लाख का और उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करना स्टार्ट किया है। आफ्टर वन ईयर ऑफ रिसर्च द इक्विपमेंट वॉज ब्रॉड इंटू अनदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस में उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया SSC ने। फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स सेल बी इंक्रीज्ड बाय, मींस कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि अगर यदि उस इक्विपमेंट के ऊपर अगर डेप्रिशिएशन चार्ज करना है तो उसमें जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो कितने रुपए से इंक्रीज होगी। मींस कि जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो डेप्रिशिएशन लगता है, हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर हम डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, तो जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो कितने रुपए से इंक्रीज होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में है ₹10 लाख, सेकंड ऑप्शन में है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन द डेट इट वाज ब्रॉट इनटू अनदर बिजनेस, मींस कि जिस डेट में उसने उस इक्विपमेंट को स्टार्ट किया है यूज करना उस बिजनेस में, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। थर्ड आता है इसमें कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट विच एवरेज लेस, मींस कि जिस दिन उसने स्टार्ट किया है उसको यूज करना बिजनेस में, उस दिन उसकी जो वैल्यू है वो या जो एसेट की वैल्यू है वो, उन दोनों में से जो कम होगा। और फोर्थ ऑप्शन आता है इसमें नील। तब हमने इसमें राइट ऑप्शन देखना है। देखिए, कोई भी अगर यदि बिजनेस कोई साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी एसेट को यूज करता है, ये अगर यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड को अच्छे से स्टडी करेंगे तो अगर यदि आप साइंटिफिक रिसर्च में, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है चाहे वो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो एक बिजनेस को 100% उसमें डिडक्शन मिल जाती है। मीन्स कि जिस साल उसकी कॉस्ट होती है उस एसेट की, तो 100% उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगी। तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट है ऐसी केस में वो नील रह जाएगी, क्योंकि 10 लाख रुपीज का वो जो इक्विपमेंट है उसमें 10 लाख रुपीज उसको एज ए कॉस्ट एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन जो डी रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, कि यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर दूसरे बिजनेस में यूज कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट उसकी वैल्यू नील आएगी और उसको उसके ऊपर कोई भी डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मींस कि कुछ एक इनकम दी गई है उसमें हमने चेक करना है कि इन इनकम में से कौन सी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं होती। सबसे पहली जो इनकम दे रखी है, प्रॉफिट एंड गेन कैरिड ऑन बाय द एसेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस कि एसेसी ने कोई भी बिजनेस कैरी कर रखा है उससे इनकम होती है, प्रॉफिट एंड गेन होता है वो देखिए आप इस बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है नहीं। सेकंड आता है इसमें, इनकम ड्राइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर, मींस कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेड से एसोसिएशन है उससे उसको अगर यदि इनकम होती है, यानी कि उसके मेंबर को एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनसे इनकम होती है। थर्ड आता है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग और ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस के जो इनकम होती है ओनिंग एंड मेंटेनिंग से, उससे जो इनकम होती है वो इनकम देखनी हमने। एंड फोर्थ आता है सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेम फर्म, मीन्स की सेम फर्म से अगर यदि किसी पार्टनर को इनकम रिसीव होती है, तो इसमें जो ऑप्शन जो रहेगा इसके अंदर, ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर यदि कोई भी व्यक्ति हॉर्स रेस को ओनिंग एंड मेंटेनिंग का अगर यदि काम करता है तो ऐसी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। रिमेंबर रहेगा आपको, अदर सोर्सेज में ये जो इनकम है ये टैक्सेबल होगी, न कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बाकी जो रिमेनिंग 3 इनकम है वो सारी बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो कहाँ से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज का क्वेश्चन है,
लेकिन हम इसमें कैपिटल गेन में भी हम इसको ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जाएगा। लेकिन एक बात आप इसमें और ऐड कर लीजिए, अगर यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपकी कैपिटल गेन हेड से पूरा हो जाएगा, मीन्स कि दोनों से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से प्लस अगर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां से भी। फिर रिपीट कर देता हूँ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो दोनों से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कैरी फॉरवर्ड का इसमें रूल होता है 8 ईयर्स तक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ ओवरराइड कर रहा हूँ आपके लिए, 8 ईयर्स तक इनको लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बेनिफिट इज अलाउड। कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इन्फ्लेशन के कारण, जैसे आपने कोई भी एसेट अगर यदि परचेज किया है तो अगर यदि आप उसमें होल्डिंग पीरियड आपका 3 ईयर्स एंड अबाउ है, या आपकी फाइनेंशियल जो एसेट्स होती हैं उसमें 1 ईयर एंड अबाउ है, जैसे शेयर्स होते हैं आपके और जो फाइनेंशियल एसेट्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह होती हैं उसमें 1 ईयर से अबाउ है, तो आप उसमें इंडेक्सिंग करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिसमें हम इसमें इंडेक्सिंग अलाउड करते हैं, तो हमने इसमें ऑप्शंस देखने हैं, डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और बिजनेस, बोनस शेयर एंड द ज्वेलरी, ये चार आपके पास ऑप्शन है। तो अगर यदि आप इसमें ऑप्शन देखते हैं तो जो लास्ट जो ज्वेलरी वाला जो ऑप्शन आता है वो इसमें राइट ऑप्शन होगा, कि ज्वेलरी का आप इंडेक्सिंग करते हैं, इसके अलावा डिवेंचर्स की आप इंडेक्सिंग नहीं करते, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ऑफ ए बिजनेस है इसकी भी आप इंडेक्सिंग नहीं करते, और बोनस शेयर्स अलॉटेड ऑन 1 अप्रैल 2000 इसकी भी आप लोग इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो डिवेंचर्स होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, यहाँ से, और जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती है इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इंडेक्सिंग करेंगे तो भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बोनस शेयर्स आते हैं इसमें भी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो जीरो होती है, तो इसलिए हम इनकी इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। तो जो ज्वेलरी होती है उसकी हम इंडेक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिस्टर ए अर्न्ड ए कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 100 लाख, 100 लाख का उनको कैपिटल गेन होता है ऑन 31st जो आते हैं January 2016 को फ्रॉम द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उन्होंने लैंड सेल की है विद इन द लिमिट ऑफ जयपुर कॉरपोरेशन। इफ़ ही इन्वेस्ट 60 लाख रुपीज, अगर यदि वो इन्वेस्ट करते 60 लाख रुपीज का आउट ऑफ 100 लाख रुपीज इन REC बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की जो बॉन्ड्स हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 54EC, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैन क्लेम अंडर द ईसी सेक्शन ईसी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड में उन्होंने 60 लाख रुपये डाले हैं, 100 लाख रुपये उनको जो कैपिटल गेन हुआ है, तो कितने अमाउंट की उनको एग्जेम्पशन मिलेगी? ऑप्शन है 60 लाख, 50 लाख, 100 लाख एंड 30 लाख। तो इसमें आपका जो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, जो 60 लाख रुपीज़ है, मींस कि जितना भी आप इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा का सारा आपका कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिल जाता है। REC के या NHAI के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 60 लाख रुपीज़ का आपको कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो 54F में जो एग्जेम्पशन मिलती है, शेल नॉट बी अलाउड, मींस की अलाउड नहीं होगी। देखिए इसमें लिखा शेल नॉट बी अलाउड, ओके, अलाउड नहीं होगी। इफ द SSC, अगर SSC के पास ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर वाले दिन ऑन्स, मींस कि उसके पास है क्या चीज, एनी रेजिडेंशियल हाउस, एक रेजिडेंशियल हाउस है, सेकंड है ए रेजिडेंशियल हाउस विच इज लेट आउट, मींस कि उसने लेट आउट कर रखा है किसी रेजिडेंशियल हाउस को, ए हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस। मींस कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट है,
कि उस एसएससी को सेक्शन 54 एफ में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ध्यान रहे नहीं मिलेगी लिखा हुआ है। तो इसमें चार ऑप्शंस में देखिए, तो इसमें अगर यदि आप 54 एफ को डिटेल से देखेंगे कि अगर एसएससी के पास मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस है तो उसको 54 एफ की जो डिडक्शंस है एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। 54 एफ क्या कहता है कि एक एसएससी के पास एक तो रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है और एक वो 54 एफ के अंडर में वो परचेज कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर यदि एक से ज़्यादा उसके पास रेजिडेंशियल हाउस है तो उसको 54 एफ में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज, मीन्स की बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी यूज हो रही है और उसको एसएससी ने सेल कर दिया, उसकी सेल से अगर यदि इनकम जनरेट होती है वो इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहा है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का काम होता है कि आप अपने गुड्स को सेल परचेज करने का काम होता है। कोई भी एसेट वो सेल परचेज करते हैं उससे अगर यदि कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है, वो जो होगा वो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। राइट, लॉस है तो भी कैपिटल गेन में जाएगा, प्रॉफिट है तो भी कैपिटल गेन में जाएगा। सेकंड चीज यहाँ पर याद रखने वाली ये रहेगी कि जो आप बिजनेस के अंदर एसेट यूज करते हैं तो आपको पता है कि बिजनेस में डेप्रिसिएशन हर साल एक एसएससी को अलाउड होता है, तो यहाँ पर जो भी एसेट होगी उसकी साल के एंड में रिटर्न डाउन वैल्यू आपको मिलेगी। अगर यदि आप कैपिटल गेन अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो जब भी किसी भी एसेट के ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है और उस एसेट को अगर यदि आप सेल करते हैं तो जो भी उससे लॉस या प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर जो मशीनरी सेल हुई है उससे जो इनकम अर्न हुई है वो क्लियर हो गया अब तो आपको कि वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, न कि लॉन्ग टर्म, न ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो टैक्सेबल होगी, न ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो ये क्वेश्चंस आपके हमारे जो लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें आए हुए हैं। एक थोड़ा सा हम लोग कैपिटल गेन का एक स्नैपशॉट देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ें किस किस सेक्शन में आती हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 54 आता है आपका, अगर यदि आप रेजिडेंशियल हाउस सेल करके रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो सेक्शन 54 आता है। 54 बी आता है अगर यदि आप एग्रीकल्चर लैंड सेल करके एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं। सेक्शन 54 डी आता है अगर यदि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली है और उसके बाद आप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं तो ये 54 डी में आता है। 54 ईसी में अगर यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में तो 54 ईसी में आता है। 54 एफ में आप ध्यान रखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिए, ध्यान में रखिए ये चीज़ कि अगर यदि आप रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं उससे आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो सेक्शन 54 एफ में आता है। 54 जी में आता है अगर यदि आप कोई अर्बन एरिया से रूरल एरिया के अंदर कोई एसेट को ट्रांसफर करते हैं, एंड 54 जी ए में आता है अगर यदि आप अपने अर्बन एरिया से किसी कैपिटल एसेट को SEZ में ट्रांसफर करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तो वो 54 जी में आता है। एक चीज़ में यहाँ पीछे एक क्वेश्चन में आया था ब्लॉक ऑफ एसेट, वो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको काफ़ी सारी एसेट दे दी जाती हैं तो और ये पूछ लिया जाता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट कैलकुलेट करिए। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एसेट जिनका एक ही टाइप का नेचर हो और जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट एक ही हो उसको हम ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। क्लियर, फिर दोबारा कर देता हूँ आपको। जैसे मशीनरी है, ठीक है ना, मशीन के ऊपर अब 20% डेप्रिसिएशन है सपोज कीजिए, और आपको एक फर्नीचर दे दिया उसके ऊपर भी 20% डेप्रिसिएशन है, और एक अनदर मशीनरी है, मान लीजिए मशीनरी बी है उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है, तो ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए क्या होगा कि ये दोनों मशीनरी ऐड कर देंगे तो आपका ब्लॉक ऑफ एसेट आ जाएगा, यहाँ पर फर्नीचर ऐड नहीं होगा। या फिर एक और मशीनरी है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट मान लीजिए 10% है
तो ब्लॉक ऑफ एसेट कैलकुलेट करने के लिए वो भी इसमें ऐड नहीं होगी। मींस कि सेम नेचर की एसेट हो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट सेम हो, उसी को हम ब्लॉक ऑफ एसेट में कंसिडर करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे ये सारे, ये जो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन में आए हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।